So hi everyone, welcome to the session for today. I hope all of you people are preparing well for the examination. So today we are going to discuss is basically in this session we are going to discuss the three topics, the government schemes which have been started, जो न्यूज में रही है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे जी कुछ इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं और कमेटीज हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं बेसिकली हमारा फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त जो न्यूज में रही है स्कीम्स या इकोनॉमिक रिपोर्ट्स उनको डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में। सो ऑल ऑफ यू वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर गोइंग थ्रू ऑल द वीडियोस व्हिच आई एम अपलोडिंग। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वीडियो ऑन दिस स्पोर्ट्स सेक्शन लास्ट टाइम। अब मेरे भाई डिस्कस करेंगे वीडियो में डिस्कस करेंगे स्कीम्स जो काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं, उनके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं। सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। क्लियर है जी सभी को? जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा ये लिंक सभी को सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन हियर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। सो जस्ट लेट मी अपलोड दीज वीडियोज विद अदर पीपल सो दैट दे कैन ज्वाइन हियर। राइट एवरीवन, बिल्कुल ये अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली। जस्ट लेट मी अपलोड द फाइल विद अदर पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। सो लेट स्टार्ट नाउ मेरे भाई, अब स्टार्ट करेंगे। पहला जी रिपोर्ट्स एंड कमेटीज में अगर देखें जो जो इंडेक्सेस न्यूज में रहे, ये सारे आपके जो अपकमिंग सीडीएस और सीएपीएफ एग्जामिनेशन है वहां पर काफी ज्यादा आने के चांसेस हैं। सो लेट स्टार्ट दिस थिंग नाउ। नंबर वन, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड 19 रिपोर्ट वॉज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट वॉज ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक कुड सी अप 11 मिलियन पीपल ड्रिवन इनटू पॉवर्टी। तो दोस्त ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक के बारे आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, ये भी एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने दी है। दैट इज 1.5 टू 2.8 इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ विल बी वर्स्ट सिंस 1991। ये काफी इंपॉर्टेंट है जी। एसएसएमएस साहू कमेटी टू रिकमेंड द सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स। याद रखिएगा जी, जो लोग यहां पर ज्वाइन किए हुए हैं इस समय सेशन में, सभी लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियोस को अगर आपको सही लगे। सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू द सेशन, प्लीज डू लेट अदर्स आल्सो नो अबाउट दिस सेशन आल्सो। नेक्स्ट आइए जी, फोर्थ एनुअल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये किसकी है? यूएनएफपीओ की, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट है ये, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। एक एफएओ आपको सुना होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोम में है। So this is all about this thing now. Next, from the great lockdown to the great meltdown report is given by UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Then the next one is World Press Freedom Index, that was given by Norway. Norway jo hai usme first position par hai, then North Korea is at the 188th position aur India ka rank hai World Press Freedom Index mein 142nd. और ये इंडेक्स देता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स दिस इंडेक्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट आइए जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ हैज रिड्यूस्ड इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम 5.8 टू 1.9%। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक काफी बार आईएएस में पूछा गया, ये रिपोर्ट कौन देता है? ये देता है मेरे भाई आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स दिस रिपोर्ट। क्लियर है जी? ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ गए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जैसे वर्ल्ड बैंक देता है, उसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देता है आईएमएफ। नेक्स्ट आइए जी, सिप्री ने अभी अभी बताया ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 और टॉप फाइव एक्सपेंडिचर जो स्पेंडर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, फिर रशिया और फिर सऊदी अरेबिया। क्लियर है जी? नेक्स्ट वन, और इंडिया का रैंक कितना जी? 117.1 और 2.4% ऑफ जीडीपी इज यूज इन दिस थिंग। फोर्थ पोजीशन पर आता है इंडिया, फ्रॉम फोर्थ पोजीशन इन 2018 टू थर्ड इन 19। इंडिया का ओपन बजट इंडेक्स 2019 में रैंक है 53rd, टॉप्ड बाय न्यूजीलैंड, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन।
तो थोड़ा बहुत इनको भी याद रखिएगा इंडेक्सेस को, कुछ इंपॉर्टेंट जो जैसे सिप्री वाला काफी इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट आइए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रो आर्ट इज ICCR, ये रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अ ग्लोबल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ओपन टू बोथ इंडियंस एंड फॉरनर्स, सबमिशन डेडलाइन May 1, 2020। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इन इंडिया, अ पोर्टल बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर फॉरेन टूरिस्ट हु आर स्टैंडर्ड इन इंडिया इन द वर्क इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन में, जो स्टैंडर्ड इन इंडिया जो फंस चुके थे उनके लिए था ये पोर्टल। नेक्स्ट हैक द क्राइसिस इंडिया, ये क्या हैकाथॉन टू फाइंड वर्किंग सोल्यूशन लॉन्च्ड बाय MOS, ये भी याद रखिएगा HRD का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और HRD एंड IT, संजय धोत्रे वॉज द वन हु लॉन्च दिस थिंग। नेक्स्ट है जी भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन फॉर क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज फॉर इंप्रूविंग ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम, लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री, ये भी याद रखिएगा जी। नेक्स्ट युक्ति पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोरोना वायरस कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, युक्ति पोर्टल याद रखिएगा, ये किसका है जी, HRD मिनिस्ट्री का था। अ यूनिक पोर्टल एंड डैशबोर्ड टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ MHRD, द पोर्टल इंटेंड्स टू कवर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ COVID-19 चैलेंजेस इन अ वेरी होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। आइए जरा अगला चेक करें जी, ए यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंसेस इनोवेटिव चैलेंज टू डेवलप द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इनोवेटिव चैलेंजेस एक टू डेवलप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। युक्ति पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जी युक्ति पोर्टल किस चीज के लिए था, विद नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। आइए जरा अगला चेक करें, थ्री स्कीम्स टू बूस्ट इकोनॉमिक मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इट विल प्रोवाइड 4% to 6% इंसेंटिव ऑन इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स दैट शो इंक्रीमेंटल सेल्स। नंबर टू है जी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंपनीज दैट आर क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, द स्कीम हैज बीन लॉन्च अंडर नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 टू मेक इंडिया ग्लोबल हब ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड स्कीम है जी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट एंड सेमी कंडक्टर, जिसको आप कह रहे हैं स्पेक्स, क्लियर जी, स्पेक्स है एक, एक EMC2 है और एक प्रोडक्शन के लिए ये जी याद रखिएगा दैट इज प्रोडक्शन इंक्ड लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नॉट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आई गॉट कैरी एन ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑफ HRD, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है आई गॉट अंडर दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑफ MHRD, पढ़ाई के रिलेटेड है जी। नेक्स्ट सप्तापदी टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, सप्ताब्दी 7 मंत्रस टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ये भी पूछ सकते हैं जी आपके पेपर में। नेक्स्ट आइए किसान रथ ऐप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पब्लिश पेरिशेबल अंडर द लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये भी जरूरी है जी। नेक्स्ट कैबिनेट अप्रूव फिक्सेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स फॉर द ईयर 2021, ए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम अंडर द स्कीम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइडेड ऑन एन एनुअल बेसिस इज प्रोवाइडेड ऑन ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक। आपको पता ही है NPK रेशो जो मेंटेन करनी होती है, ये क्या जी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम की। आइए जरा अगला चेक करें जी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल टू प्रोवाइड पंचायत अ सिंगल इंटरफेस टू कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, देन स्वामित्व योजना यूज ड्रोन्स इन मैपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन विलेज एंड विल मेक इट इजियर फॉर द विलेजेस टू अवेल लोन्स फॉर द बैंक्स, तो ये भी याद रखें ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामित्व स्कीम है क्या, टू रूरल पीपल द राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर, डू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो। Is everybody clear about this thing now? आइए अगला देखिए जी। Next है जी International Financial Services Center Authority established by Government of India, headquarters at
गांधीनगर गुजरात। फंक्शन क्या है जी, टू रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस डिपॉजिट सिक्योरिटीज एंड ऑल एंड द रेगुलेटर्स इंक्लूड्स आरबीआई सेबी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीए। बस इतना ही देखिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आइए जी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च द इनिशिएटिव कॉल्ड लाइफलाइन उड़ान टू हेल्प द इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19। समाधान भी एक ऑनलाइन चैलेंज रखा गया है। इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज लॉन्च अ मेगा ऑनलाइन चैलेंज कॉल्ड समाधान टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो दोस्त ये स्वामित्व स्कीम भी याद रखेगा, इन स्कीमों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता, चाहे आपका यूपीएससी का सीडीएस का पेपर हो चाहे सीएपीएफ का पेपर हो, नॉर्मली दे डू पुट अप सच क्वेश्चंस इन योर पेपर। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज स्वामित्व स्कीम, उसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल और समाधान, ये सब याद रखने आपने। नेक्स्ट आइए जी, इकोनॉमिक और बैंकिंग की बात करें, द 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये पता भी होना चाहिए कौन कौन सी है कोर इंडस्ट्रीज, कई बार ये भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है। सो ऑब्जेक्टिव इज टू, इसका इंडेक्स आता है जी वॉज नोन एज प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स। सो कोर इंडस्ट्रीज है कौन कौन सी, कोल है, क्रूड है, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय इकोनॉमिक एडवाइजर। और ये डीआईपीपी बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई होप एवरीबडी इज क्लियर टू सिंग। इसका बेस ईयर है 2011 से 12 और 8 को हैव सीन 5.5 ग्रोथ इन द फरवरी मंथ। नेक्स्ट है जी, आरबीआई इंक्रीजेस वेज एंड मींस एडवांसेस लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय 30%। WMA होता गया, ये पेपर में आ सकता है, वेज एंड मींस एडवांसेस अ टेम्परेरी लिक्विडिटी अरेंजमेंट विद द सेंट्रल बैंक विच इनेबल्स द सेंटर एंड द स्टेट्स टू बोरो मनी अप टू 90 days फ्रॉम द आरबीआई टू टाइड ओवर देयर लिक्विडिटी मिसमैच। सरकार के पास अगर पैसे नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो मेरे भाई WMA के थ्रू बैंक से लोन ले सकती है, वेज एंड मींस एंड एडवांसेस, एडवांस पैसे लेने का तरीका है ये चीज़ है जी अपना WMA। और RBI ने इंक्रीज किया फॉर एटलीस्ट 30% बाय। नेक्स्ट जी, PSB पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डोनेशंस फॉर PM केयर्स। PM केयर्स है वो किस बैंक के अंडर आ रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत लोग पैसे इसमें जमा कर सकते हैं। PSB पंजाब एंड सिंध बैंक, और ये दोनों शायद मर्ज हो चुके इसलिए नाम है जी। नेक्स्ट है जी, हेलीकॉप्टर मनी, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इट इज़ अ टर्म गिवन बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन। इट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग। मतलब क्या है, टू डंप मनी इनटू अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी एंड इन टर्म्स सिंपल टर्म्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉन रिपेएबल मनी टूवर्ड्स द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। द पॉलिसी इंटेंड्स टू मेक मोर मनी अवेलेबल फॉर द पीपल टू नज देम टू सेंड मोर। ये चीज़ है जी, बार बार इकोनॉमी, अगर हेलीकॉप्टर मनी याद रखेगा क्या चीज़ है। नेक्स्ट, इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन बाय 4.7% टू US इतना, और इम्पोर्ट्स डिक्लाइन बाय, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को अच्छे से पढ़िएगा, WPI उसमें डिक्लाइन क्या है और WPI और CPI में अंतर क्या है। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, ऑबिकस ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे इनसाइट इन टू द डिमांड्स ऑफ द इंडियन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर। द सर्वे इज कंडक्टेड क्वार्टरली, इट इज बींग कंडक्टेड बाय द सिंस 2008 ऑबिकस, याद रखिएगा जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिलीज इट्स एनुअल इकोनॉमिक पब्लिकेशन एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020। सो दिस इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ टू स्लो डाउन टू 4% इन द करंट फिस्कल ईयर। RBI has launched a Twitter campaign urging bank customers to adopt digital modes of payment that are convenient and safe. Jan Small Finance Bank has launched DigiGen, a digital banking platform where customers can digitally open a saving account and fix deposit instantly anytime anywhere. That is Jan Small Finance Bank. Inhone shuru kiya DigiGen. So let's move to the next one now. Reports and committees ki agar baat kare index ke saath, तो भाई सबसे पहली लॉस्ट एट होम अ रिपोर्ट बाय UNICEF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द डिस्प्लेसमेंट्स वर मेनली ड्यू टू डिजास्टर्स एंड अराउंड 5 million वर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया 2019 ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। देन रिपोर्ट बाय रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया 2020
नॉर्दर्न नेशनल बर्थ रेट स्टूड एट 20, डेथ रेट एट 6.2, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एट 32। तो ये भी चीज याद रखेगा जी। नेक्स्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ये कौन देता है? WHO 2020। इंडिया वॉज अमंग फर्स्ट 88 कंट्रीज दैट आर टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट बाई 2025। हाईएस्ट रेट्स ऑफ डोमेस्टिक इनइक्वालिटीज स्पेशली इन द माल न्यूट्रिशन अलॉन्ग द नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया हैज डिक्लेयर द लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन केस ऑफ द डिस्पेरिटीज इन स्टंटिंग। नेक्स्ट आइए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट ये रिलीज की है जी किसने? WHO ने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, राजेश भूषण कमेटी ये कह रही, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी टू रिफॉर्म ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2020 की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज की है। इसमें फिनलैंड सबसे पहले नंबर पर और आखिरी नंबर पर अफगानिस्तान, और इंडिया 144th नंबर पर है जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, निगाह स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सरकार की, फैमिली मेंबर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एजुकेटिंग द फैमिली मेंबर्स उसके लिए जी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आयुष कवच एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश की है, टू हेल्प पीपल एक्सेस प्रिस्क्रिप्शंस। अटल पेंशन योजना कंप्लीट्स 5 ईयर्स, लॉन्च ऑन मई 9, 2015, कैन बी सब्सक्राइब बाय एनी सिटीजन बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। इस पे थी जी, 18 से 40 के बीच में कोई भी सब्सक्राइब कर सकते। मिनिमम गारंटी पेंशन 1000 से 5000 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 6 ईयर्स ऑफ एज। व्हेन द पेंशन डाइज इट अमाउंट टू ग्रांटेड पेंशन फॉर लाइफ टाइम टू द स्पाउस। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, अ नॉमिनी शैल ऑल्सो बी गेटिंग द अमाउंट। वॉज रिप्लेस बाय स्वलंबन योजना, याद रखे स्वलंबन को रिप्लेस किया था अटल पेंशन योजना ने, टू ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है जी, याद रखेगा। आइए सर अगला चेक करें जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सर्वे बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। इंडिया रैंक 53rd अमंग 117 कंट्रीज। क्लियर है जी ये सभी को? इंडिया स्कोर 49 आउट ऑफ 100 इन सर्वे। इंडिया प्लेस इन द थर्ड इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 बाय ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, यमन टॉप दिस थिंग। ग्लोबल नेटवर्क ने ये रिलीज किया, ये रिपोर्ट जरूर याद रखे, रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ये इसने। क्लियर जी, पीछे हमने देखे UN फूड प्रोग्राम के तहत, ये अलग है जी। तो जीरो हंगर गोल 2 है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, उसको अचीव करना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और FAO इन सभी का इनिशिएटिव है दिस ग्लोबल नेटवर्क। नाना नानी अभियान क्या है जी? ये नीति आयोग का टू रीच 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन दैट आर स्प्रेड इन 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से है जी? Are those districts in the country that are affected by poor socio-economic factors? 115 districts were identified from 28 states under the program. To convergence, collaboration and competition. आइए जरा अगला देखे जी। Global Energy Transition Index जो दिया किसने? World Economic Forum ने। India का rank आया 74th, showing improvement in key parameters such as energy security, growth and environmental sustainability. और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री थी स्वीडन एंड फॉलोड बाई स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड। इकोनॉमिक का वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशंस द्वारा कि वर्ल्ड इकोनॉमी 3.2% से प्रॉपरली श्रिंक हो जाएगी। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट इंडिया डिक्लाइंड बाई 65%। देन गरुड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गरुड पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। गवर्नमेंट अथॉराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल लॉन्च बाई DGCA to assist state entities to obtain the exemption from central government to operate drones for COVID-19 purpose. Smart cities are employing drones to spray disinfectants on the roads and other public spaces. Then Ayurksha program, ye AIIMS ka program, AIA, All India Institute of Ayurveda, Ministry of Ayush and Delhi Police to maintain health of the frontline workers. Next, e naam aapne suna hi hai,
पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल जो कि एपीएमसी को सभी स्टेट्स के आपस में लिंक करेगी, प्रोवाइड्स फॉर कॉन्टेक्टलेस रिमोट बिडिंग, मोबाइल बेस्ड एनी टाइम पेमेंट। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम शुरू हुई थी, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स अंडर द एनएफएसए, इट विल अलाउ पोर्टेबिलिटी टू ऑफ फूड सिक्योरिटी, क्लियरली ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू लिफ्ट देयर एंटाइटलमेंट एंड फूड गेन्स फ्रॉम देयर फेयर प्राइस शॉप्स। देन है सरस कलेक्शन, ये क्या जी, इनिशिएटिव इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इज टू ओन्ड पोर्टल दैट वॉज सेट अप फॉर प्रोक्योरमेंट पोर्टल इन ऑर्डर टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज। ये मेरे भाई सरस पोर्टल उन लोगों के लिए जो बहुत ही गरीब है और दे आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, सो दैट दे कैन सेल आउट दीज थिंग्स ऑन दिस पोर्टल। इसका नाम है सरस कलेक्शन, याद रखिएगा जी। आइए जरा अगला चेक करें, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मोदी जी ने चलाया था, टू हेल्प मेजर्स अंडरटेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 20 लाख करोड़ ऑफ पैकेज हैज बीन अनाउंस्ड। पीएम किसान निधि योजना, ये भी आपने पता, ऑल द स्मॉल एंड द मार्जिन फार्मर्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद द इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट। स्मार्ट स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म डेवलप अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम, डेवलप बाय हायर एजुकेशन ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD and implemented by NIT Kurukshetra, will provide to strengthen the productivity through better information management. Goal scheme तो बहुत ही important है भाई, पिछली बार भी हमने पढ़ी थी लेकिन आई नहीं, इस बारी पक्का आएगी। Facebook की partnership के साथ है, Ministry of Tribal Affairs की ये scheme है, to provide mentorship to the tribal youth in the digital mode and catalyst to bring out more hidden talents to tribal youth. ट्राइबल यूथ को और प्रचार दिया जाए और बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए गोल स्कीम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और फेसबुक का ये इनिशिएटिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द पीपल हु आर देयर लाइव इन दिस सेशन, प्लीज डू हिट अ लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल फॉर दोज हु आर अपेयरिंग फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ CDS एंड CFF। नेक्स्ट आइए, उज्ज्वल योजना, आपको पता है 4 साल इसके हो गए हैं, उज्ज्वल योजना जो कि सिलेंडर प्रोवाइड करवाएगी, राइट, LPG गैस टू बी गिवन टू द एवरीबॉडी एंड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन स्कीम डेवलप्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट इज अ सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, विल हेल्प इन इंटरस्टेट कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, किया गया था स्टार्ट। अगला जी PM ई विद्या, ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उसको अच्छा बना सके, मल्टी मोड एक्सेस, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन क्लास वन चैनल। सो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपको पता, दीक्षा विल नाउ बिकम मेजर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री दैट विल प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट, और वन चैनल विल प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन मटीरियल फ्रॉम क्लास 1 to 12 अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड डेजी, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन और सिस्टम। नेक्स्ट, मंद्रोपन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू टीचर्स स्टूडेंट्स फैमिलीज एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू नेशनल डायरेक्टरी ऑफ दिस काउंसलर्स। ट्राइफेड हैज पार्टनर्ड विद UNICEF टू इनिशिएट वंदन सामाजिक दूरी जागरूकता, क्लियर जी, अभियान उनको दूरी बनाए रखना ये सारा कोरोना वायरस का चक्कर में। नेक्स्ट आइए जी, स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, अनाउंस द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन ऑल इंडिया बेसिस विद एन आउटले 10,000 करोड़, इस पर फोकस किया जाए। नेक्स्ट, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है, हेल्थ ट्रीटमेंट टू 70% पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मत्स्य संपदा योजना यूनियन कैबिनेट ने शुरू किया है, इज ए अम्ब्रेला स्कीम कॉन्सिडरिंग टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू हार्नेस द फिशरीज पोटेंशियल इन अ सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव एज वेल एज इक्विटेबल मैनर।
नेक्स्ट है जी, ये हमने कोर बैंकिंग वाला समय लिया अभी। उसके बाद भारत मार्केट और नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस सेंट्रल बैंक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट आपको पता होगा, फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये काफ़ी पुराना एक्ट है जिसके थ्रू आजकल जो एनपीए बढ़ रहे हैं उनको रिप्लेस करना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ख़त्म करना, उसके तहत बैंकों को अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने पैसे ले सके वापस अपने ग्राहकों से, और इसके लिए वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बना सकते हैं, ARCs। नेक्स्ट है जी, ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। पहले ये आरबीआई के अंडर नहीं थे कोऑपरेटिव बैंक्स, अब इनको भी आरबीआई के अंडर नीचे ले गए डायरेक्टली, पहले नाबार्ड के अंडर थे। काम अंडर द डुअल रेगुलेशन ऑफ दिस आरबीआई एंड रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव बैंक्स आप याद रखें, इज अ फाइनेंशियल एंटिटी दैट बिलोंग्स टू इट्स मेंबर्स हु आर एट सेम टाइम ओनर्स एंड द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट आइए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैंपियंस पोर्टल किस चीज़ के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। चैंपियंस पोर्टल है जी MSME का, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ताकि मॉडर्न ICT टूल्स हो टू असिस्ट इंडियन MSMEs। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस के लिए चैंपियन पोर्टल याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का। नेक्स्ट है जी, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS। इट वॉज डेवलप्ड बाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अलॉन्ग द विद DAPRG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। KVIC टू इम्प्लीमेंट वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव, ये आपने सुना ही है काफ़ी ज़्यादा। एज इशूड गाइडलाइंस टू इम्प्लीमेंट द फ्लैगशिप अंडर द PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्लियर है जी, और न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज फाउंडेड, ये अलग है जी। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता है ये ब्रिक्स के अंदर है, और ये ब्रिक्स के हेडक्वार्टर है शंघाई में, इस NDB के हेडक्वार्टर, फॉस्टर के मेंबर कंट्रीज और सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रमोट कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया और ADB ने साइन किया महाराष्ट्र स्टेट हाईवेज को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसमें इन्होंने टोटल FDI इनटू इंडिया जंप्ड 18% फ्रॉम टू 73.46 बिलियन इन 2019 टू 2020, हाईएस्ट इन द 4 ईयर्स। FDI इन सर्विसेज देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन ऑल दीज थिंग्स। सो हाईएस्ट अगर इक्विटी सोर्स है जो हमारा अपने इधर इंडिया में इसका FDI का, तो वो कौन सा जी, सिंगापुर है जी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड FSDC इज एन एपेक्स बॉडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2008 में शुरू हुआ था, रघु राजन कमेटी ने बनाया था FSDC। चेयरपर्सन हो गए इसके फाइनेंस मिनिस्टर। द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल एंड द फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट अंडर रेगुलेटरी इंटरनेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन। पाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट चैट बॉट टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पाई कैन बी एक्सेस बाय 24/7, और ये इंफॉर्मेशन अबाउट द NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द क्वेरीज कैन बी सेंड बाय द यूजर्स थ्रू टेक्स्ट और वॉइस। इन ऑर्डर टू सेंड द क्वेरीज द यूजर्स शेल यूज द वेबसाइट्स रुपे NPCI UPI। नेक्स्ट है जी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बार बार UPSC IAS में तो पूछ रहा, अभी तक CDSCAPF नहीं, लेकिन पूछ सकता है। ये किसने रिपोर्ट दी है, वर्ल्ड बैंक ने। To focus on the policies boost long term growth and improve governance and business environment. World Economic Outlook आपने पढ़ा ही है अभी IMF के द्वारा। Then QS World University Rankings, 3 from India, IIT Bombay, Indian Institute of Sciences and IIT Delhi are in the top 10. Next, HRD Ministry releases Indian Rankings 2020 on NIRF. IIT Madras ranked at the top in overall category. तो ये रैंकिंग रूंकिंग आपके पेपर में नहीं आने वाली। नेक्स्ट आइए फिर, एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस ऑफ COVID-19 अ टाइम ऑफ क्राइसिस अ टाइम टू एक्ट रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। किस चीज के ऊपर है भाई, COVID-19 और चाइल्ड लेबर, ये पूरी रिपोर्ट का नाम है। दादर दी किसने, ILO।
लेबर और चाइल्ड के यूनिसेफ दोनों ने। क्लियर है। बिमल जुलान कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिमल जुल्का कमेटी किस चीज के लिए है जी? रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स याले यूनिवर्सिटी देती है। इंडिया रैंक 168 आउट ऑफ 180 नेशंस और सबसे टॉप है डेनमार्क। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ इंडिया फॉर एनवायरमेंट रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इसके तहत इंडिया रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैज स्लिप्ड फ्रॉम 114 इन 2019। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन देता है जी? FSSAI। लार्ज स्टेट्स में फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, सेकंड पे तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। स्मॉल स्टेट्स में गोवा, मणिपुर, मेघालय। यूटीज में चंडीगढ़, दिल्ली एंड देन अंडमान निकोबार। MB लाल कमेटी टू प्रोवाइड सेफ्टी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय ऑल कंपनीज व्हाइल इंस्टॉलिंग ऑयल वेल्स। सो MB लाल कमेटी भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। UNCTAD रिलीजेस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। US is world's largest recipient of FDI in 2019 with $2.251 billion. India was world's ninth largest recipient. World Competitive Index, Institute of Management and Development. India's rank has unchanged at this thing, not much important. Asian Development Outlook हमने देख लिया, Asian Development Bank बनाता है। Next, Global Status Report on Preventing Violence Against Children by UN. Then State of World Population 2020 report by UNFPA, United Nations Population Fund, Against My Will, Defying the Practices that Harm Women, Girls and Undermine Equality. So ये थे दोस्त अपने करंट अफेयर्स जो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्कीम्स पे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो जो न्यूज़ में हैं उनके ऊपर है जी। और अगला जी किल कोरोना कैंपेन किसका? मध्य प्रदेश का प्लाज्मा बैंक ILBS नॉट मच अबाउट। प्रोजेक्ट प्लेटिना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोबलेसन प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल लॉन्च बाय महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज रिलीज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये भी याद रखेगा। नेचर इंडेक्स वर्ल्ड इंडिया रैंक 12th इन द साइंस रिसर्च। एंड द एजुकेशन हैज रिलीज वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, फर्स्ट इज हांगकॉन्ग। प्रधानमंत्री स्वनिधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको लोन अफोर्डेबल प्राइस पे लोन प्रोवाइड किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और इसका ये प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट जी आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग कि इस मिनिस्ट्री की है, लेबर की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है। लोन ऑफ 10,000 विदाउट कोलेटरल, no penalty, and first time the street vendors for the peri urban areas they will be doing business. Champions portal हमने पढ़ लिया अभी MSME sector के लिए। spec scheme हमने पढ़ लिया अभी for manufacturing of electronic components on this thing। इस प्रकार हमने scheme सारी check की है। स्वदेश skilled worker arrival database for employment support, मैपिंग ऑफ रिटर्निंग ऑफ सिटीजन अंडर द वंदे भारत मिशन जो वापस आए हैं स्वदेश, इज अ जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सहकार मित्र ये क्या? इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री। तुलिप क्या है? एंड इंटर्नशिप एंड लर्निंग प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। नेक्स्ट कोविड बीप द फर्स्ट साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ COVID-19 पेशेंट्स। ये दोस्त सभी के सभी जरूर नोट कर लीजिएगा, ये जो काफ़ी बारी पेपर में तुलिप पूछ सकता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये पूछ सकता है और ये किस चीज़ पे इस प्रकार। तो ये जो इनिशिएटिव है इनमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सो मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद दीज थिंग्स बिकॉज दे आर गोइंग टू आप। चैंपियंस पोर्टल, तुलिप, ये स्वदेश, ये सब याद रखेगा, इनको रिवाइज करेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आर देयर इन दिस एग्ज, हु आर देयर प्रिपेयरिंग फॉर दिस CDS जो इस बारी देना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी ये देखेंगे सत्यभामा, ये क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग, और पोर्टल शुरू किया सत्यभामा पोर्टल फॉर माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के लिए शुरू किया गया जी।
देन युक्ति क्या चीज है जी? युक्ति टू, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग वायरस विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये भी याद रखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द विलेज, तहसील लेवल पर ये शुरू किया गया। आगे जी, वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली रिलीज द न्यू परचेजिंग पावर पैरिटीज फॉर रेफरेंस ईयर, इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम, और इसके तहत लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन इनिशिएटिव होगा। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अब 15,000 करोड़ AIHIDF, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नॉट मच इंपॉर्टेंट। OECD's economic outlook has India's growth to be recovered to 7.9%. Asian Development Bank ने बताया कि इंडियन इकोनॉमी को इतना होगा, ये कुछ नहीं पूछे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉट मच इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम सभी चीज़ें देख चुके हैं। रिपोर्ट्स अगर आप देखें, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट दी है यूनेस्को ने, ये याद रखिएगा, हेडेड बाय अगर नेशनल लेवल कमेटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ, रणबीर सिंह को ने हेड किया, वाइस चांसलर है ये। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 UNFPA की रिपोर्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स कॉल्ड प्रेरक दुआ दाउर सम्मान, क्लियर है जी। इन दिस सर्वे द अंडर अलॉन्ग विद द सिटीज द स्टेट्स विल ऑल्सो बी रैंक। SDG इंडेक्स में स्वीडन टॉप इन इंडिया इज रैंक 117। ग्रेटी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इंडिया रैंक 34th। क्लियर, यूनाइटेड किंगडम हैज बीन रैंक्ड एट द फर्स्ट प्लेस इन ग्रेटी रैंक। स्किल इंडिया मिशन, उसके बाद बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ टॉप्स लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अंडर नीति आयोग। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जहां पर इंडिया रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी बिटवीन पीरियड 2015 to 2019। FAO की रिलीज, FAO जो है इसने रिलीज किया ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट। इंडिया रैंक 3rd अमंग द टॉप 10 कंट्रीज वेयर फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज इन द लेटेस्ट ईयर। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 इज अ कोलेबरेटिव प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल ई वेस्ट स्टेटिस्टिक प्रोग्राम फाउंड बाई UNU, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। इसरो के चीफ जो है सिवन, के सिवन, हैज बीन नेम्ड वॉन कर्मन अवार्ड 2020, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। अगला जी, कोपल 19 क्या जी? एम्स पार्टनर्स IIT दिल्ली, उनके लिए प्लाज्मा के लिए कोपल पोर्टल बनाया गया। ई समीक्षा पोर्टल क्या चीज है? रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स एंड डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। और इसके बाद असीम, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अक्रॉस द सेक्टर्स। याद रखिएगा, असीम पोर्टल टू गिव अ स्किल्ड वर्कर का वर्कफोर्स का गैप खत्म करने के लिए, ताकि प्रोवाइड हो सके उस समय। हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन इन मध्य प्रदेश टू टेक केयर ऑफ द एकेडमिक रेगुलरिटी। एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। नेक्स्ट आइए जी, मिशन समूहन, वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग टुगेदर एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम बिगिंस विद दिस मिशन, कंसोलिडेटिंग ऑल साइंटिफिक इंटरेक्शंस इन द कंट्री अंडर वन रूफ। हैज टू कंपोनेंट्स, संगोष्ठी जो कि सेमिनार एंड सिंपोजिया, संयोजिया दैट इज क्रॉनिकल। मिशन अभ्यास इज बेसिकली हैज बीन लॉन्च विद टू कंपोनेंट्स फॉर द बोथ द components, application for the winter season, December, this thing is there. पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन है दिल्ली में, ये अभी गोल प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, याद रखेगा। फेसबुक ने शुरू किया और ट्राइबल अफेयर्स के लिए उनको स्किल डेवलप करना, उनके 3 कोर एरियाज के, लिटरेसी दो ट्राइबल्स को, लाइफ स्किल्स एंड लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटल टिंकरिंग लैब्स भी आपने सुना होगा, नीति आयोग का इनिशिएटिव है। अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, मॉड्यूल्स आर अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। नेक्स्ट है जी, प्रज्ञाता गाइडलाइंस, ये किस चीज के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, HRD, नॉट होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स, डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली एट होम ड्यू टू लॉकडाउन, उनको पढ़ सकें, उनकी गाइडलाइंस है। डेमो डेज इनिशिएटिव,
अटल इनोवेशन मिशन के तहत टू सपोर्ट स्टार्टअप्स हैव द पोटेंशियल ऑफ कोविड 19 द डेमो डेज इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट बॉडी सच एज बायोटेक्नोलॉजी इनके साथ याद रखे मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या जी टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ वेलबींग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ा ये 2020 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में टू मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर और द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया द एजुकेशन पॉलिसी वॉज हैज़ ब्रॉट इन 1968 to 86 तो ये भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है जी नेक्स्ट जी इसको देखिएगा एक बारी नेक्स्ट है जी पार्क ये क्या जी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज टू बी क्रिएटेड एज द अपेक्स बॉडी टू फॉस्टर स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर हायर एजुकेशन में क्योंकि हम R&D में काफ़ी पीछे हैं तो इसलिए परख हैज बिन क्रिएटेड अब नेशनल असेसमेंट सेंटर विल एक्सेस द स्टूडेंट्स निष्ठा प्रोग्राम 1200 की रिसोर्स पर्सन ऑफ आंध्र प्रदेश निष्ठा इज अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज अंडर समग्र शिक्षा फेस टू फेस मोड ऑन लॉन्च ऑन 21 अगस्त इकोनॉमी और बैंकिंग की बात करें तो दोस्त इनको ज़रूर चेक करिएगा कहाँ पर ग्रोथ हुई है कहाँ पर डिक्लाइन हुआ सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिबिल लॉन्च MSME सक्षम इन सभी को एक बारी देखिए आई विल सेंड यू द नाउ PDF ऑफ दिस फाइल एट ई तक्षला टेलीग्राम पोर्टल पे इनको ज़रूर अब पढ़ लीजिएगा एक बारी ज़रूर इनको साइड बाय साइड सिनॉप्सिस बना के 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको याद होंगे सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट ऑल दीज और इनको लिख लिख के साइट पे पोर्टल्स जो जो शुरू हुए हैं जो जो ऐप शुरू हुए हैं सरकार द्वारा इनको याद करिएगा इट विल हार्डली टेक योर 1 or 2 hours टू रिमेंबर दीज एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो इनको जरूर चेक श्रीजन पोर्टल है जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का टू प्रमोट इंडिजनाइजेशन इन डिफेंस सेक्टर बाय प्राइवेट सेक्टर ये मैंने पढ़ाया भी हुआ पहले भी आपको श्रीजन सुरक्षा भी याद रखें कन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन एलिफेंट के लिए ये सब आपने देखने एक बारी जरूर है पोर्टल्स पे इक्वेशन आता ही आता है अरुण दोए ये सब हमने देखे हैं स्वास्थ्य क्लियर है जी ई लेटर जो शुरू किया है लेख और ये वाला अ ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम सो दीज आर द थिंग्स विच वन शुड बी चेकिंग आउट किरण मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्थ लाइन बाय सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के लिए शुरू किया गया इनके द्वारा वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड प्रोजेक्ट इज अ ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सप्लाइंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2018 एंड दिस विल बी गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक सिटीज आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपने चेक करना है ये सारा इकोनॉमी बैंकिंग में भी एक बार जरूर चेक करिएगा सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों में से किसी ने भी who are not there on this platform, they just can check out my description में आपके पास link होगा उसको follow करिएगा वहाँ पर आपको मिल जाएंगी इसकी PDFs for this international, this economic section, banking, जो भी पिछले 6 महीने में important था RBI के कोई नया initiative, ये सारी चीज़ें एक बारी ज़रूर करिएगा और please, if you really like this session, if you really like the things which we are doing here on this platform, YouTube, So please do share this as much as possible and do hit a like button on our videos. Fatafat series, zarur check kariyega for the quick revision. And the February attempt, we will be concluding these current affairs regularly with you people so that you don't have any problem with respect to the current affairs part also. So thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone.